ये आज की मछली है, ये सुरमई ली है हमने, ये बड़ा वाला दाना शौक आ रहा है, इसके फिले बनेंगे। ये थैली के अंदर जो है वो याद नहीं आ रहा कौन सी, इसके अलावा हमने कुकर लिए, छोटा वाला सुरमई लिए, हीरा लिए और पापलेट लिए, दहिया लिए तिलपिया और धंधिया लिए, कुकर लिए। हाँ ये जो थैली के अंदर ये मुश्का है, मुश्का कुकर ज़्यादा लिए, मीडियम रेंज की मछलियाँ हैं, पिछली मतलब भी ज़्यादा ली थी, इस मतलब भी ज़्यादा ली। ये हम लेके जा रहे हैं ट्रॉली के अंदर, ये पूरी मार्केट है। मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है, ये सर्दी आ रही है ना, मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है और रेट भी बढ़ता जा रहा है। ये कुकड़ है, ये मुश्का है, ये सारा में, ये सारा में, ये ब्लैक कुंड है, कौन सी है, खग्गा है, सिंगाड़ा है, कौन सा, ये कौन सी है, सिंगाड़ा है, छोटा सिंगाड़ा है, छोटा सिंगाड़ा का हिसाब है, छोटा सिंगाड़ा सिंगाड़ा। ये दोबारा मुश्का आ गई। ये बड़ी वाली मछली कौन सी है, घोड़ा, ये तो बहुत बड़े साइज का घोड़ा है, मैंने इससे पहले ली थी छोटे साइज की, देखिए बहुत बड़े साइज की घोड़ा है, हाँ जी काट के रखी हुई। ये अमरोज़ है, अमरोज़ के भी फिले बनते हैं, घोड़ा का मैंने फिले बनाया था लेकिन गोश्त सख्त था थोड़ा सा। ये संगरा है, ये हीरा है, छोटे साइज़ की हीरा है, ये जो है वो शार्क है, मंगरा, ये गिस्सर है लेकिन गिस्सर ये सही नहीं है, ताज़ी नहीं है। ये हीरा है बड़े साइज़ की, ये काला पापलेट है, ये सारा में, ये टूना है, ये अलग अलग था, ये टूना है, ये भी टूना है, ये वाली सस्ती होती है, ये असल टूना, इसमें इस तरह के जो टेक्सचर होता है ना ज़ेबरा वाला, ये थोड़ी सस्ती होती है। ये मुश्का है, ये पापलेट है, ये पापलेट है, ये नीचे सिंगाड़ा रखी हुई है और ये जो है वो ईरानी पापलेट है, चप्पल भी कहते हैं इसको। ये हीरा है, ये वाइट कुंड है, ये पता नहीं कौन सी है, ये कौन सी मछली है, ये संगरा, छोटा वाला, ये संगरा है, तो बड़े साइज की देखिए मैंने, ये संगरा के बच्चे हैं सारे। और ये काला पापलेट है, ये धंधिया है, तो सफ़ेद और काली धंधिया होती हैं, सुरमई, ये जलेबी पापलेट है और ये जो है वो वाइट कुंड है, ये हीरा है, ये सारा में बड़े साइज का सारा में, ये काला पापलेट निकल गया ना, आप सामान रख दिया आपने, ठीक है, हाँ हो गया सारा, ताकि हो गया सर, अभी सिर्फ झींगा लेना है, सिर्फ छोड़ दे, उसके बाद हमने सामान इतनी देर तक रखा था, छोड़ दे, ये सुरमई है। ये शायद सुनाफ है, पता नहीं क्या इसका नाम याद नहीं है, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो हमने कभी ली नहीं है, उनका नाम भी अभी तक याद नहीं है, पूछा 10 बार है लेकिन इतनी से कितनी ज़्यादा किस्म की मछलियाँ हैं कि क्या करें। ये वाइट कुंड है, बिल्कुल स्टील माल, बड़े साइज़ का वाइट कुंड, बेहतरीन। हाँ चले आ जाए, ये जलेबी है, जलेबी पापलेट की पूरी लॉट है इनके पास। ये वाली कौन सी भाई, जलेबी पाप नहीं, ये पित्तल है, पित्तल जलेबी नहीं है, सॉरी पित्तल, पित्तल क्या हिसाब है, 280, इसका वो बनता है फिंगर बनता है इसका, पित्तल 280, अभी आपके एक बड़ा फिंगर है, वाइट गोश्त लाल गोश्त,
वाइट गोश्त है, 280 रुपये बता रहे हैं। इसका बना के देखेंगे एक बार, तुम्हारा फिंगर कैसा बनता है। ये सोल है, सोल है लेकिन छोटे साइज का है, इसमें मज़ा नहीं है। ये खग्गा है, ये देखें कैटफिश में बताता रहता हूँ ना, 5 किस्म की है। खग्गा है, इसकी खाल देखें कितनी उखड़ी हुई है, बहुत गर्म मछली होती है कि खाल जो है वो उखड़ जाती है। माशाल्लाह सर्दी आ रही है, रेट भी बढ़ रहा है लेकिन माल भी बढ़ रहा है। पहले इतना माल नहीं होता था मछली के अंदर, अभी बहुत माल है माशाल्लाह से, ख़रीदार भी बहुत है। बस वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है, जितनी डिमांड होगी इतनी ज़्यादा फिर ये लोग मछेरे जाते हैं और मेहनत करते हैं ज़्यादा। पहले गर्मियों में इतने नहीं जाते होंगे, जो डिमांड नहीं है तो रेट भी कम मिलता होगा तो फिर जाते नहीं होंगे। अभी इनको रेट अच्छे मिलते हैं, अभी सब जा रहे हैं शौक में। ये देखिए ये एक कैटफिश है, ये रिंजी है, ये पता नहीं कौन सी है यार, ये कौन सी है भाई, ये कौन सी मछली है, चप्पल, ये असल चप्पल है, इसका चप्पल जैसा बोलो मैं, चप्पल बाकायदा चप्पल बनी हुई है। ये कैसे कांटा होता है इसके अंदर, इसमें कांटा है, एक कांटा है, क्या हिसाब दे रहे हो, 120। गोश्त कैसा है, लाल है सफ़ेद?